इन पाइप्स विद इन यूक्रेन के तीन शहर, यहाँ तीन शहरों पर रूस के भीषण हमले हुए हैं, केव, खारकेव और मारियापोल। यहाँ आधी रात को मिसाइलें बरसती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार हमले रूस की तरफ से यूक्रेन पर जारी हैं। आधी रात को तीन शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमले की खबर जानकारी से, हालांकि इन सब के बीच 22वां दिन आज युद्ध का। तीन शहर ऐसे जहां पर रूस के भीषण हमले हुए हैं, जिनमें से केव, खारकेव और मारियापोल में आधी रात को मिसाइलें बरसी हैं। हालांकि रिहायशी इलाकों पर रूस के बर्बर हमले हो रहे हैं, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। हालांकि ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई जहां पर हमला जब हुआ वो रिहायशी इमारत ही है। हालांकि एक शख्स की मौत की खबर तब आई थी। आधी रात को कई मिसाइलें तीन शहरों पर बरसी हैं। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध में अब तक 7,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया 14,000 से ज्यादा रूसी सैनिक जख्मी हुए हैं, यानी नुकसान रूस को भी भारी मात्रा में हुआ है। यूक्रेन युद्ध में रूसी फौज को बड़ा नुकसान हुआ है, अमेरिका की तरफ से दावा किया गया। और यूक्रेन युद्ध में अब तक 7,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, ये जानकारी अमेरिका की तरफ से दी गई है। रूसी फौज पर अमेरिका का सनसनीखेज दावा, और इसके मुताबिक तो रूस को भी काफी नुकसान की बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है कि ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन पर भारी नहीं पड़ रहा है, ये युद्ध जो है ये रूस पर भी भारी पड़ रहा है। 14,000 से ज्यादा रूसी सैनिक जो है वो जख्मी हुए हैं।